अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर टीचर, सोशल स्टडी टीचर शाइस्ता खान विद द समरी ऑफ द जूम ऑनलाइन लेक्चर। आज हमने पढ़ा यूनिट 4 लेसन 11 फेस्टिवल्स और हमने किया इसमें बुक एक्सरसाइज पेज 64। ओके, नाउ मैं ओपन करने जा रही हूँ पेज 64। वी हैव डन दैट व्हेन आर दीज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, दिस इज द एक्सरसाइज ए। Write the date and the month. ईद मिलादुन नबी हमारे पास था कि ईद मिलादुन नबी जो है वो हमने लिखनी है कि कब सेलिब्रेट होती हैं। तो हमारे पास ईद मिलादुन नबी जो है ये है 12th रबीउल अव्वल को। वी सेलिब्रेट ईद मिलादुन नबी ऑन 12th रबीउल अव्वल। साथ साथ फिर मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाती जाऊँगी। Look at this picture, ताकि आपको याद रहे। ये देखें, this is the 12th रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी। Then उसके बाद हमने किया ईद उल फितर सेलिब्रेट होती हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शवाल। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ शवाल। ये देखें, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ईद उल फितर। और ये कब मनाई जाती है, कब सेलिब्रेशन इसकी होती है, फर्स्ट शवाल। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट शवाल। एंड आफ्टर दैट वी हैव डन क्रिसमस डे। नंबर 3 पे हमारे पास है क्रिसमस डे। और क्रिसमस डे की सेलिब्रेशन हमारे पास कब होती है, वी हैव डन ऑन 25th December। 25th December जो है ये हमारे पास क्रिसमस डे होता है और कायदे आज़म की बर्थडे का दिन भी होता है। ये देखें, ये हमारे पास क्रिसमस सेलिब्रेशन होती है और ये डेट होती है 25th December। क्रिसमस डे होता है 25th December को। वी हैव डन इट। ओके, नाउ हमारे पास था नंबर फोर्थ पे लेबर डे। लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st of May। लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st May। और ये दिस इज़ द पिक्चर फॉर यू कि आपको याद रहे, लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st of May। देन हमने किया ऑन नंबर 5 पाकिस्तान डे। पाकिस्तान डे की जो हमने डेट थी ये हम सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं और ये है 23rd of March, जब पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास हुई थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का वर्ड यूज़ हुआ था एट मिंटो पार्क, जो आजकल इकबाल पार्क है, मीनार पाकिस्तान है, जहाँ पे 23rd March को पाकिस्तान डे। देन ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा का जो दिन है हमारे पास ये स्पेसिफिक डे है एंड इट इज़ द 10th of Zilhijj। ईद उल अज़हा इज़ सेलिब्रेटेड ऑफ 10th of Zilhijj। फिर इसके बाद है हमारे पास, ये देख लें, यहाँ जो को हमारे पास ये हज़रत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है और इस दिन कुर्बानी होती है। ये मैं पिक्चर आप लोगों के लिए ले आई हूँ कि आपको याद रहे, दिस इज़ 10th of Zilhijj होता है जो हम ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करते हैं। देन आफ्टर दैट वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस डे के लिए जो आपके डेट्स आपने लिखनी है, डेट एंड मंथ, ठीक है, आपसे डेट और मंथ का पूछा गया है। तो इंडिपेंडेंस डे जो है वो 14th August 1947। इंडिपेंडेंस डे जो है 14th August 1947 को, ये हमारी आज़ादी का दिन होता है। ये वो दिन था जब पाकिस्तान वजूद में आया। तो मंथ हमारे पास अगस्त का था और 1947 उस दिन 14th August 1947 कंप्लीट डेट थी। अब नोरोज़ जो है हमारे पास वो 21st March को मनाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज भी हमने किया, मैच द फेस्टिवल्स टू देयर नेम्स। आपके पास ये है बैसाखी, दिवाली, नौरोज़, दशहरा एंड होली। हमने किया कि डैश इज़ द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। अब आपको पता है कि हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कौन सा है, वो है दिवाली। दिवाली इज़ द हिंदू फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। देन उसके बाद हमने किया डैश
इज द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. अब स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज है वो है होली. होली इज द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ हिंदूज. यू कैन सी द पिक्चर इट ओवर हियर. नाउ हमारे पास फिर है डैश इज द हिंदू फेस्टिवल ऑफ टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल. डैश इज द हिंदू फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल. और ये हमारे पास था, मैंने आपको बताया था ये दशहरी का हमने किया. ओके दशहरा, इसके बहुत सारे सर होते हैं, दैट्स वाई ये दशहरा के नाम से मशहूर है. इसके हमने डिटेल्स पढ़ चुके हैं. अब बैसाखी जो है दैट इज़ द स्प्रिंग फेस्टिवल ऑफ सिख कम्युनिटी. सिख कम्युनिटी, ये देखें ये सिख आप देख रहे हैं, ये जो दाढ़ी रखते हैं और इन्होंने पगड़ी पहनी होती है और ये ढोल बजा के खुशी का इजहार कर रहे हैं. देन हमारे पास था डैश इज़ द ट्रेडिशनल ईरानियन न्यू ईयर हॉलीडे. और जो नोरोज है ये इट मार्क्स द स्प्रिंग इक्विनॉक्स. स्प्रिंग इक्विनॉक्स उसको कहते हैं, ये 21 मार्च का दिन होता है जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं और ये ईरानियन के न्यू ईयर का डे होता है, दैट इज़ कॉल्ड नोरोज. अब हमने वी हैव डन दिस एंड एक्सरसाइज सी था हमारे पास, हाउ डू यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे. अब आई हैव टोल्ड यू माई ओन ओपिनियन, नाउ यू विल डन इट विद योर ओन चॉइस. ओके वट वी डू, वी वॉच फ्लैग रेजिंग सेरेमनी ऑन टी वी, वी वॉच पेट्रियाटिक सॉन्ग्स एंड परेड्स, वी डेकोरेट आवर होम्स विद पाकिस्तानी फ्लैग्स, वी वेयर ग्रीन एंड वाइट ड्रेसेस and caps as well. We prepare speeches and patriotic songs for school assembly, जो जैसे कि आप लोग करते हो. Now it's up to you how you celebrate it and how you write it. Okay, that's all for today. And it was the summary of today's lesson. Thank you.